जिला कुल्लू के भुंतर में कांग्रेस कार्यकर्ता ईवीएम की पहरेदारी में इन दिनों जुटे हुए हैं और दिन रात तंबू में रहकर कांग्रेस कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। जिला कुल्लू के भुंतर के जनजातीय भवन में लाहौल स्पीति विधानसभा चुनावों के बाद मशीनों को यहां पर रखा गया है। ऐसे में ईवीएम मशीनों में कोई गड़बड़ ना हो सके, इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पहरा दे रही हैं। तो वहीं मंगलवार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजीव किमटा भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा चुनावों को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और लाहौल स्पीति में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर भी समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजीव किमटा का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता यहां जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही पहरेदारी में बैठे हुए हैं। राजीव का कहना है कि हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा ईवीएम की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आए दिन कई जगहों पर मशीनों के साथ छेड़खानी होने का मामला सामने आता रहता है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता भी लगातार यहां पर डटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता ने भी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। ऐसे में आम जनता के सहयोग से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। कहीं ना कहीं ईवीएम पे कुछ ना कुछ छेड़खानी होगा। वहाँ पे जो कार्यकर्ता है विद द परमिशन ऑफ द एसडीएम, विद द परमिशन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि हमारे लाहौल स्पीति के जो हमारे लोग हैं वो यहाँ पे जो भुंतर में जनजातीय भवन है वहाँ पे बैठे हैं और तकरीबन 13 तारीख ऑनवर्ड से बैठे हुए हैं और तकरीबन आज जो है 10 दिन हो गए इनको, तो डे नाइट इनकी शिफ्ट है। वो इसलिए है कि एक एटलीस्ट सेटिस्फाई होने के लिए, और दूसरी क्या है कि ये चीज़ की यहाँ पर जो सिक्योरिटी है पुख्ता उन्होंने इंतजाम किया है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन बावजूद उसको भी जैसे कि आपके इसके ऊपर मशीन्स के ऊपर कहीं ना कभी ना कभी का प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, उस प्रश्न चिन्ह को जो है कांग्रेस पार्टी बड़े गंभीरता से ले रही है, सो दैट कि एटलीस्ट जो इलेक्शन हो बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं विदाउट एनी कोई गड़बड़ी से हो। और भाजपा बोल रही है कि आप लोग क्यों बैठे हैं, हम लोग बोलते हैं कि 3 लेयर सिस्टम लगा है तो आप 4th लेयर कांग्रेस का भी है, अगर आपको लगता है कि आपने बैठना तो आप भी बैठ लीजिए और 5 लेयर सिस्टम हो जाएगा। तो एटलीस्ट उसमें विद द परमिशन ऑफ द एसडीएम, विद द परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर हमारे लोग जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि वहाँ गड़बड़ी हो सकती है वहाँ पर जो है खुद पैरा लेकर बैठे हुए। 12 लोग हैं, 12 लोगों का ड्यूटी है, 2 डे में आते हैं और 2 लोग नाइट में आते हैं। तो इंतज़ाम तो बहुत अच्छा है, यहाँ सुरक्षा तो ठीक है। ITBP का 30 जवान है, फिर पुलिस वाले हैं, फिर हम लोग भी अपना पार्टी का जो आदेश है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने परमिशन ली है और यहाँ 12 लोगों का ड्यूटी लगा है डे नाइट, और अंदर हमने टेंट लगा के रखे, बाकी जो बार बूर जाने का सुविधा तो है नहीं, बार बूर जाने के लिए हम। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। कुल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, अनुभवी व फ्रेश सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9481803532 पर कॉल करें।